चलिए हम अभी जो देखने वाले हैं, अलग अलग पार्ट में हम तोड़ के देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। नई वैकेंसी आपकी आई है कि कौन सी वैकेंसी है, क्या करना है, इसके बारे में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं इस क्लास में आपको जानकारी दूंगा। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक। देखिए यही वो बैंक है जिस बैंक में जाने के लिए हम और आप प्रिपरेशन करते हैं कि आप चाहते हैं कि हम उस बैंक में चले जाएं, जो बैंक गवर्नमेंट बैंक है। तो गवर्नमेंट बैंक आपके लिए है, बट आपके एग्जामिनेशन के लिए वो जो गवर्नमेंट बैंक है वो इस नाम से जाना जाता है, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक होता क्या है, तो आप जाने कि वैसी बैंक जिस बैंक में गवर्नमेंट की अपनी भागीदारी, गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, गवर्नमेंट का जो स्टेक लगा हुआ है, जो भाग लगा हुआ है वो 51% से ज्यादा होगा, वो बैंक गवर्नमेंट बैंक कहलाएगी और वही वो गवर्नमेंट बैंक है जिसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से जानते हैं। बात आती है कि आज के डेट में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, तो देयर आर ओनली एंड ओनली 2017 में 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, लेकिन आज के डेट में ये 27 रिड्यूस होके सिर्फ और सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं। There are only 12 public sector bank. इस 12 public sector bank को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं नेशनलाइज्ड बैंक और दूसरा क्या है, तो दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टोटल कितने हैं, तो टोटल 12 है। 12 में से ये जो पार्ट है वो नेशनलाइज्ड बैंक का पार्ट है। तो नेशनलाइज्ड बैंक कितने होंगे, तो 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं और एक क्या है, तो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बराबर कितने हैं, 12 हैं। आप कहेंगे क्या सर एसबीआई एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, तो नहीं, एसबीआई एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। नेशनलाइज्ड बैंक हम उन बैंकों को बोलते हैं जो बैंक एस्टेब्लिशमेंट के समय प्राइवेट बैंक थी, बाद में गवर्नमेंट ने उसे क्या किया, तो अपने अधीन किया। तो प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट के अधीन आना, दिस इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। हिंदी में हम इसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। जितनी भी बैंक आप देखते हैं जो आज आज काम कर रही है, चाहे वो यूको बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक हो, ये सारी की सारी बैंक प्राइवेट बैंक के रूप में काम कर रही थी। ये एक अलग टॉपिक है कि नेशनलाइजेशन कब हुआ। तो आज के डेट में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, हालांकि वो मेरा टॉपिक नहीं है आज के डेट में, कि नेशनलाइजेशन आज तक भारत में सिर्फ दो ही बार हुए हैं। एक बार 1969 में हुआ, 19th of July 1969 में हुआ, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन आपके इंदिरा गांधी ने किया, और दूसरी बार 15th of April 1980 में आपके फिर से नेशनलाइजेशन का काम किया गया। तो दो ही बार सिर्फ अभी तक नेशनलाइजेशन हुआ है। हमारी टॉपिक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक नहीं है, कब हुए, कितने हुए नहीं है। हमारी टॉपिक सिर्फ इतनी अभी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक आज के डेट में कितने हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक आज के डेट में 12 है, लेकिन आपसे पूछा अगर जाए कि हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया एट प्रेजेंट, आंसर इज 11। लेकिन पूछा जाए पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, तो 12 है। एसबीआई कभी से प्राइवेट बैंक थी ही नहीं, एसबीआई को हमेशा और हमेशा से गवर्नमेंट के अपने क्या, तो अपने टैक्सेस पर्पस के लिए हमने एस्टैब्लिश किया था। तो शुरुआत से एस्टैब्लिशमेंट से वो गवर्नमेंट बैंक ही थी, उसमें हमेशा से गवर्नमेंट की भागीदारी 51% से ज्यादा लगी हुई है। यही वो कारण है कि ये जो पार्ट है ये आपके आईबीपीएस में शामिल है और ये जो पार्ट है ये अलग है। तो आईबीपीएस नेशनलाइज बैंक का एग्जाम कंडक्ट करती है और एसबीआई का डिफरेंट एग्जाम होता है, जिसकी वैकेंसी आपके पास परसों आ चुकी है। यहां तक समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर, यस सर। ओके, अभी बात आती है कि ये 27 थे, बाद में आज कितने हो गए, तो 12 हो गए। तो ये जो बंटवारा है ये आके हुआ कैसे, तो आप जाने कि अभी तक तीन बार हमने क्या किया है, तो रिडक्शन किया है। पहले एसबीआई जो बैंक थी, उस एसबीआई बैंक में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, और साथ साथ भारतीय महिला बैंक जो 2013 में हमने नया एस्टैब्लिश किया था, भारतीय महिला बैंक, उनको भी एक साथ मर्ज कर दिया हमने 1st of April 2017 में।
तो पहले 5 एसोसिएट्स बैंक प्लस एक भारतीय महिला बैंक, तो 6 बैंक 2017 में ही विलीन हो गई एसबीआई के साथ। क्लियर। दूसरा बात आया कि देना बैंक है और विजया बैंक है, इस दोनों बैंकों को हमने 1 अप्रैल 2019, देखिए जो 1 अप्रैल है ना फाइनेंशियल ईयर की जो पहली तारीख है, ये 2017, 2019 और 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में हमने क्या किया, तो किया मर्जर किसका किया, तो 5 एसोसिएट्स बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्लस एक भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में ही विलीनीकरण हो गया और 6 बैंक एसबीआई में मर्ज हो गई 1 अप्रैल 2017। दूसरा, देना बैंक और विजया बैंक, ये दोनों बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 1 अप्रैल 2019 में इसका विलय हो गया। तो चलो 6 उधर चला गया, 2 इधर चला गया, तो 8 तो यहीं पे गायब हो गया। अभी हाल ही के दिनों में आप कह सकते हैं कि इस साल 1 अप्रैल 2020 में हमने अलग अलग बैंकों का क्या कर दिया है, तो मर्जर कर दिया है। कौन कौन सी बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक में ओबीसी जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, उसका विलय हो गया। इंडियन बैंक में विलय हो गया आपके इलाहाबाद बैंक का। कैनरा बैंक में विलय हो गया आपके सिंडिकेट बैंक का। आपके कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का विलय हो गया आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो इस तरह घट घट के क्या हो गया, हमारे पास आज के डेट में सिर्फ 12 बैंक बच गए हैं। 6 बैंक आपके वो बैंक हैं जो मर्जर के बाद खड़े हुए हैं और 6 बैंक वैसे नेशनलाइज बैंक है जिनका अभी तक मर्जर नहीं हुआ है, संभवतः मर्जर हो सकता है। तो कौन कौन से वो बैंक हैं जिसका विलयकरण हो गया है, तो आप जाने कि एसबीआई कब हुआ, एसबीआई में जो मर्जर हुआ वो 1 अप्रैल 2017 में हुआ। किसका विलय हुआ, तो एसोसिएट्स बैंक कितने थे, तो 5 थे, प्लस एक बैंक थी, कौन सी थी, तो भारतीय महिला बैंक। 1 अप्रैल 2017 इस 6 बैंकों का विलय सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अभी लिखिएगा मत, जब बताऊंगा तब लिखने का। दूसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ। किसका विलय हुआ, तो वो विलय तो हम देखेंगे, पहले उस डेट को हम जान लेते हैं, 1 अप्रैल 2019 में किसका विलय हुआ, तो विलय हुआ आपकी देना बैंक का, प्लस देना बैंक के साथ साथ एक और बैंक थी, नाम था विजया बैंक। सब 17 और 19, मतलब कहने का मतलब है कि 18 में कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं हुआ जो आपको यहां पे जानना है। तीसरा, अभी 19 तक की बात खत्म हो गई, अभी आप जाने कि 1 अप्रैल 2020, ये जो साल हमारा चल रहा है, इस साल में पंजाब नेशनल बैंक, जो मैं इस साइड लिख रहा हूं सर्कल में, वो एग्जिस्टिंग है, और जो मैं इस साइड लिख रहा हूं वो क्या हो गई, तो उनका मर्जर इस बैंक में हो गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक में किसका मर्जर हो गया, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये यूनाइटेड बैंक लिखिएगा, ऐसा नहीं कि यूबीआई लिख के बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया याद कर लीजिएगा, भूल से वैसा काम मत कीजिएगा। पंजाब नेशनल बैंक में ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हो गया, उस डेट को पंजाब नेशनल बैंक का काम खत्म। नेक्स्ट, डेट विल रिमेन सेम, क्योंकि अभी जो 4 बड़े बैंकों का मर्जर हुआ है वो मैं आपको यहां पे लिख के बता रहा हूं। पंजाब नेशनल बैंक के बाद इंडियन बैंक एग्जिस्टिंग है, इस इंडियन बैंक में विलय हो गया, किसका, तो इलाहाबाद बैंक का। इंडियन इलाहाबाद बैंक खत्म हो गई और इंडियन बैंक के नाम से उनके जो ऑफिसर्स हैं वो जाने जाएंगे। डेट विल रिमेन सेम, 1 अप्रैल 2020। इंडियन बैंक के बाद फिर से एक बैंक है, कैनरा बैंक। इस कैनरा बैंक में एक और बैंक मिल गई, नाम था सिंडिकेट बैंक। क्लियर। तो यहां तक की जो है, ये नीचे की जो बात मैं लिख रहा हूं, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, ये एग्जिस्टिंग है, इन सबों का उसमें विलय हो गया। क्या और भी कोई बैंक है, यस, कौन सी है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक नीचे लिख रहा हूं, दिख रहा है क्या, नहीं सर, नहीं सर,
यस 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 हाँ, यहां पे लिखता हूं यूनियन बैंक। इस यूनियन बैंक में दो बैंकों का मर्जर हो गया, एक थी आपकी कॉरपोरेशन बैंक और एक था आपका आंध्रा बैंक। ठीक है, इसका डेट भी कौन सा, तो डेट विल रिमेन सेम, 1st of April 2020। तो देखिए अभी हमने कितने बैंकों का नाम लिखा है, मर्ज बैंक 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 वो बैंक है, मैंने ऑलरेडी बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंक 12 है। इस पब्लिक सेक्टर बैंक में दो अलग पार्ट आप कर दीजिए तो 6 वो बैंक हैं जो मर्ज होने के बाद खड़े हैं, और 6 वो बैंक हैं जिनका मर्जर अभी तक नहीं हुआ है, संभवतः हो सकता है। कौन कौन से, ये मैं जो लिख रहा हूं समझ में आ रहा है, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस, ओके, इस साइड समझ में आएगा। 6 बैंक हमारे पास वैसे नेशनलाइज बैंक खड़े हैं जिनको गवर्नमेंट ने अभी तक टच नहीं किया है, संभवतः टच किया जा सकता है। कौन कौन सी बैंक है, तो यहाँ पे UCO, यूको बैंक, नाम सुना है? यस सर, यूको बैंक। यूको बैंक के बाद आपकी बैंक पुणे में उसका हेडक्वार्टर, वन फैमिली वन बैंक, महाबैंक उसका टैगलाइन, नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ इंडिया, इनको भी गवर्नमेंट ने अभी तक टच नहीं किया है। उसके बाद सेंट्रल बैंक, उसके बाद कौन सी है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक, ये भी नेशनलाइज बैंक है। 1, 2, 3, 4 और 5, एक कोई और तो भी बच रहा है, सेंट्रल बैंक लिख दिया, आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक। यस, तो ये 6 और 6 कितने हो गए? अरे कितने हुए, 12 हो गए ना, 12 का खत्म। क्वेश्चन आपके साथ किसी भी रूप से पूछा जा सकता है, पूछा जाए, पहले सुन लीजिए उसके बाद बोर्ड से हट दूंगा। पूछा जाए हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक एट प्रेजेंट, आंसर इज, आंसर क्या दीजिएगा? 11। हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, आंसर इज 12। पूछा जाए कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज नॉट मर्ज्ड ऑन 1st of April 2020, तो इनको छोड़ दें तो इनका मर्जर उससे पहले हुआ है, किसी भी रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। 6 इस साइड वो बैंक का नाम लिखा है जो मर्ज बैंक है, इस साइड उस 6 बैंक का नाम लिखा है जिनका अभी तक मर्जर अमलगमिनेशन नहीं हुआ है, है ना? अगर होगा तो वो मैं भी आपको अपडेट करूंगा, आप खुद भी अपने आप को जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक अपडेट करना है। ये हमारी टॉपिक है पहली, आज के डेट में कितने पब्लिक सेक्टर हैं, उनका पैमाना कैसा है, उनका मर्जर कब हुआ, और एग्जिस्टिंग बैंक कौन कौन सी हैं। आप फटाफट इसको पेन डाउन कीजिए, जहां पे नहीं समझ में आया मेरे से पूछिए, मैं बोर्ड से हटा हूं लेकिन यहीं पे खड़ा हूं। और जब हो जाएगा तो मेरे को बोलिएगा भी कि सर डन, तब तक मैं थोड़ा सा आराम करता हूं। पब्लिक सेक्टर बैंक हम उन्हें कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा होगा, 51 बिलो होगा प्राइवेट बैंक कहलाएगी। सबसे आखिरी में जो थोड़ा सा कटा हुआ आपको दिख रहा है वो कैनरा बैंक है, जिसमें मर्जर हुआ आपके सिंडिकेट बैंक का। सर आपने स्टार्टिंग में कितने बैंक्स बताए कि स्टार्टिंग में जब थे तो कितने पब्लिक सेक्टर बैंक थे? 27। ओके सर, बट वो जानने की जरूरत नहीं है। SBI में 5 शेयर्स बैंक का मर्जर,
उनका नाम था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, प्लस एक वो बैंक जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने महिलाओं के लिए किया था, भारतीय महिला बैंक मुंबई में। बेसिकली इस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हमने 2013 में किया था मनमोहन सिंह के द्वारा, बट उस बैंक का अस्तित्व अभी SBI में ही विलीन हो गया है। देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा का पार्ट हो गया 2019 में। उसके बाद चार बैंकों में अभी हमने अलग अलग बैंकों का मर्जर किया है और 6 बैंक अभी तक इंडिपेंडेंट लिस्टलाइज बैंक के रूप में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की गाज कब इनके इम्प्लाई और इस बैंक पे गिरेगी कहना टफ है। बस जिस दौर से लिस्टलाइजेशन का काम, मर्जर का काम चल रहा है, संभवतः 1 अप्रैल 2021 कुछ नया आएगा जिसमें इनमें भी किसी न किसी बैंक का मर्जर होगा। ये सब छोटी बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक छोटी बैंक है, यूको बैंक छोटी है, आईओ भी छोटी है, किसका किसके साथ मर्जर होगा आने वाला दिन और आने वाली तारीख बताएगा। हटाओ ये यूबीआई सर। बोलो बोलो कहां पे नहीं समझ में आ रहा है। यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ना, यूबीआई जो हम देखिए यहाँ पे जो यूबीआई लिखा है ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, ये यूनियन बैंक नहीं है। यूनियन बैंक वाली कहाँ पे है, एक जगह और लिखा है मैंने यूनियन बैंक का नाम सर ऊपर, यहाँ लिखा है यूनियन बैंक में कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का मर्जर हुआ है। सर आपने पंजाब नेशनल बैंक के नीचे कौन सी बैंक का नाम लिखा है? पंजाब नेशनल बैंक के नीचे लिखा है इंडियन बैंक, नाम नहीं सुना है क्या? नहीं सर समझ में नहीं आता, वो जी लग रहा था मेरे को। अच्छा इंडियन बैंक, नोट्स डाउनलोड किए वेबसाइट से? Yes, sir. नोट्स डाउनलोड हुआ क्या? Yes, sir. Okay, जिन्होंने नहीं किया हो, लास्ट क्लास तक की सारी बातें मैंने अपलोड कर दी है उस पे। तो संभवतः आज और कल तो वेबसाइट नहीं खुलेगा क्योंकि मेंटेनेंस में है आज और कल, तो कल के बाद आप खोलिएगा, खुलेगा आपसे। आज खुला सर। आज ओपन हुआ क्या? ओपन हो गया? हाँ सर। हटाओ क्या इसको? एक मिनट सर। किसी को दिक्कत आ रही है समझने में तो पूछिए मेरे से। तो ये है एट प्रेजेंट पब्लिक सेक्टर बैंक। अभी आखिर मैंने ये क्यों लिखा, मैंने इस कारण से लिखा कि इससे जुड़ा हुआ मुझे एक टॉपिक खत्म करना है, उसकी बात मैं करता हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक मिनट इसको, स्क्रीन बराबर दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर। ओके
चलिए अभी की जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो वो है टैगलाइन ऑफ बैंक्स। अगर बैंक है तो उसका कुछ पंच लाइन होता है और वो पंच लाइन आपको हमेशा याद रखना है आपके एग्जामिनेशन के सिलेक्शन तक। तो टैगलाइन की बात हम अपने इस टॉपिक में करने वाले हैं। टैगलाइन मतलब पंच लाइन, या उस बैंक का नाम आप अगर देखते हैं उसके नीचे उसका हेडिंग मतलब पंच लाइन लिखा आता है। जैसे किसी का अकाउंट अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप अभी कभी अपने पासबुक को देखिएगा या कभी स्टेटमेंट को देखिएगा या कभी वेबसाइट को देखिएगा तो उस पे उसके पंच लाइन भी लिखे रहते हैं, द बैंकर टू एवरी इंडियन, विद यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, और द नेशन बैंक ऑन अस। तो ये सब पंच लाइन है जिसको आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। तो पंच लाइन में सबसे पहले उन छह बैंकों का नाम हम जानेंगे जो बैंक आपके मर्ज्ड बैंक हैं। एक बार नाम बताओ कौन कौन से मर्ज बैंक हैं। एसबीआई है, उसके बाद कौन सा था? बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, उसके बाद कौन सा था? हाँ, इंडियन बैंक। कनारा। यूनियन बैंक। तो पहले इन छह बैंकों का हमें टैगलाइन जानना है। एसबीआई के चार टैगलाइन है। पहला है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, दूसरा है द बैंकर टू एवरी इंडियन, तीसरा है द नेशन बैंक ऑन अस, और चौथा है यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखूंगा तो दिखेगा आपको, एक मिनट। और चौथा है द नेशन बैंक ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द बैंकर टू एवरी इंडियन, और एक और है विद यू ऑल द वे, With you all the way। तो ये टैगलाइन मतलब क्या सर? टैगलाइन मतलब पंचलाइन। लाइन का मतलब है कि उस बैंक को अगर हम बोलते हैं तो उस बैंक का इंपॉर्टेंस हम इस लाइनों से दिखाते हैं कि लाइन क्या है। तो बैंकर टू एवरी इंडियन है, कैसी बैंक जो हर एक भारतीयों के लिए है, प्योर बैंकिंग, हम सिर्फ बैंकिंग में डील करते हैं, नथिंग एल्स। तो बैंकिंग का इंपॉर्टेंस उनके पंच लाइन से दिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड टैग लाइन, पंच लाइन। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना। तो ये चार पहले आप लिखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऊपर का जो चार है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, द नेशन बैंक ऑस, बैंक ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द बैंकर टू एवरी इंडियन, विद यू ऑल द वे। बैंक ऑफ बड़ौदा चूंकि पहली ब्रांच आपकी इस बैंक की सबसे पहले हमने फॉरन ली थी तो इसने अपने आप को इंडियाज इंटरनेशनल बैंक ही बोला, तो आज के रूप में भी टैगलाइन उसकी इंडियाज इंटरनेशनल बैंक ही है। पंजाब नेशनल बैंक, upon the name you can bank upon। एक मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, एक मार्क्स से क्वेश्चन आपके टैगलाइन से, एक मार्क्स से क्वेश्चन आपके डेट से पूछे आते हैं कि विमेंस डे कब है, है ना, ह्यूमन राइट्स डे कब है, स्पैरो डे कब है, मातृस डे कब है। तो एक मार्क्स से क्वेश्चन वहां से पूछे आते हैं, दोनों टॉपिक से एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछे आते हैं। The Nation Bank on Us, Punjab National Bank, Indian Bank, your tech friendly bank। कब से ये टेक्नोलॉजी यूज कर रही है मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है, बट इसका टैगलाइन तो शुरुआत से ही टेक फ्रेंडली बैंक है। ना मैंने आज तक इस बैंक में गया हूं, ना आज तक इस बैंक को देखा हूं, देखा तो हूं बट टेक फ्रेंडली है ये पता नहीं कैसे है। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन,
the tagline of Canara Bank. Or Union Bank, good people. Good people to, good people to bank with. Good people to bank with. पहले ये छह बैंक जो मर्ज बैंक है उनका टैगलाइन आप लिखिए, फिर वैसे छह बैंक जो ओपन इंडिपेंडेंट नेशनलाइज बैंक है उनका टैगलाइन हम लिखने की कोशिश करेंगे आपको। पहले लिखिए इसको। SBI वैकेंसी आपके पास है, दिसंबर लास्ट जनवरी फर्स्ट में इसकी प्रीलिम्स की एग्जाम है, जनवरी लास्ट फरवरी फर्स्ट में इसकी मेंस की एग्जामिनेशन है, मार्च एंड आते आते ही अपनी फाइनल रिजल्ट देगी और मई मंथ में यू विल बी पोस्टेड एज प्रोबेशनरी ऑफिसर ऑन प्रोबेशन फॉर अनदर टू इयर्स इन लार्जेस्ट बैंक। बट फॉर दिस क्या आपको करना है, संभवतः अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है अगर कोई नए स्टूडेंट नहीं है तो। हर एक डिटेल्स मैंने आपके साथ बताए हैं कि क्या करना है कहां तक पहुंचने के लिए। बड़ा बैंक, बड़ा काम, बड़ी इज्जत और बड़ी गाली। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ सर, आपका वो नहीं दिख रहा है स्क्रीन, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है, पता नहीं मुझे नहीं दिख रहा सर। वो जो ऊपर में नाम आ रहा है ना लैपटॉप में, उस नाम पे जाके देखो क्योंकि मेरे लैपटॉप में मैं मेरा बोर्ड आ रहा है, नाम दिख रहा है आपका। हाँ सर, दिखा क्या? अलग जगह पहुंच गया, ऐसा लग रहा है मिस्टर इंडिया हो गया क्या सर? पीएनबी में क्या लिखा है? गुड पीपल टू बैंकवेट, सॉरी पीएनबी में द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये इको किधर से आ रहा है अशोक सर? आपका इको आ रहा है क्या? हाँ हाँ एक मिनट। अभी भी फोटो नहीं आ रहा है? किसी स्टूडेंट के साथ भी ये प्रॉब्लम है जिनको दिख नहीं रहा है मेरा बोर्ड या मैं? दिसंबर है तो मैडम कब भरिएगा? थर्ड को भर देना आप। भर दिया है हमने। भर दिया इतना जल्दी? ऐसा तो स्टेट बैंक ने कहीं लिख के नहीं दिया था, इतना जल्दी भरोगे इतना जल्दी सिलेक्शन हम लेंगे। अगर ऐसा होता तो जिस टाइम नोटिस लगाते उसी टाइम ही भर देते ना सर। शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड। तुम तो प्रोबेशनरी ऑफिसर नहीं डायरेक्ट डिप्टी मैनेजर बन के ही निकलोगे तुम। ठीक है आगे चले, फिर बात करेंगे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। थोड़ा सा पहले टॉपिक भी कवर करते हैं, धीरे धीरे उस पर भी हम आएंगे। कौन से तो छह इंडिपेंडेंट नेशनलाइज बैंक का नाम बताइए वन बाय वन करके, फिर उसका टैगलाइन। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होगा और मेरे साथ शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकता हूं। चलिए नाम बताइए छह इंडिपेंडेंट नेशनलाइज बैंक कौन कौन से काम कर रही है। पहला तो सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट नेशनलाइज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद कौन सा है तो पुणे वाली हेडक्वार्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद कौन सा है तो इंडियन ओवरसीज बैंक। उसके बाद कौन सा है तो यूको बैंक। और कौन कौन सा है? पंजाब एंड सिंध बैंक। उसके बाद कौन सा है दो? सेंट्रल बैंक। इतने ही है ना? तो बैंक ऑफ इंडिया का जाने क्या है? रिलेशनशिप
बियॉन्ड बैंकिंग, रिश्तों की जमा पूंजी, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वन फैमिली, वन बैंक, महाबैंक. वन फैमिली, वन बैंक, महाबैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. आईओबी, गुड पीपल, टू, ग्रो विथ. इसकी टैगलाइन क्या किसी के साथ मैच होती है? गुड पीपल टू ग्रो विथ कहीं मैच हो रहा है? यस सर. यूनियन के साथ? यूनियन बैंक. हाँ, यूनियन बैंक. हाँ, क्या टैगलाइन है? गुड पीपल टू बैंक विथ. हाँ, तो अंतर सिर्फ इतना ही है कि ग्रो बोलेगा तो आईओबी है और अगर बैंक बोलेगा तो पंजाब नेशनल बैंक है ना. ऐसा नहीं कि आपको याद है गुड पीपल तो लगा देंगे पंजाब नेशनल बैंक में. भूल सब ऐसा काम मत कीजिएगा. गुड पीपल टू ग्रो आईओबी, गुड पीपल टू बैंक पंजाब नेशनल बैंक. उसके बाद यूको बैंक. ओनर्स योर ट्रस्ट. उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक. वेयर सर्विस इज द वे ऑफ लाइफ, वेयर सर्विस इज द वे ऑफ लाइफ. और आखिरी में सेंट्रल बैंक. सेंट्रल टू यू सिंस 1911. लिखें इतनी बात. सेंट्रल टू यू सिंस 1911. बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी, दैट इज रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वन फैमिली, वन बैंक, महाबैंक. आईओबी, गुड पीपल टू ग्रो विथ. यूको बैंक, ओनर्स योर ट्रस्ट. पंजाब एंड सिंह, वेयर सर्विस द वे ऑफ लाइफ. एंड फाइनली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल टू यू सिंस 1911. रिलेशन बियॉन्ड बैंक ना सर? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग. बैंकिंग लिखो वहां पर, चूंकि स्पेस मेरे पास कम था तो मैंने बैंक लिख के छोड़ दिया है. बट आप बैंक ऑफ इंडिया में लिखिएगा रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग. बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपके स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है और वो भी पुणे में है. वन फैमिली, वन बैंक, महाबैंक. आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका पूरा नाम है गुड पीपल टू ग्रो विथ. यूको बैंक, ओनर्स योर ट्रस्ट. पंजाब एंड सिंध, वेयर सर्विस इज द वे ऑफ लाइफ. सेंट्रल बैंक 1911 से आपके लिए काम कर रही है. इसका आंसर है सेंट्रल टू यू सिंस 1911. ओके, कोई दिक्कत? तो सेंट्रल बैंक का क्या है? सेंट्रल टू यू सिंस 1911. डन. हटाओ. यस सर. यस. देखिए, आपकी जो जनरल अवेयरनेस की टॉपिक है, आपकी जो सिलेबस है बैंकिंग की, जो जनरल अवेयरनेस आपके 40 मार्क्स एसबीआई मेंस में 40 मार्क्स से पूछे जाएंगे, कलर्कियल में 50 मार्क्स के आपके पूछे आते हैं,
तो उसकी जो सिलेबस है उसमें स्पेशल रेफरेंस विद बैंकिंग इंडस्ट्री पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है और स्टैटिकल अवेयरनेस पूछा जाता है। तो आज संभवतः स्टैटिकल अवेयरनेस की पहली टॉपिक को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी की जो हमारी टॉपिक है वो स्टैटिकल अवेयरनेस में एक टॉपिक हम कवर करेंगे, वो है इंटरनेशनल बॉर्डर, है ना। इससे पहले जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है लिखा है वो सब की सब बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक है, बैंकिंग अवेयरनेस की टॉपिक थी। अभी स्टैटिकल अवेयरनेस, स्टैटिकल अवेयरनेस कहने का मतलब ये है जो चीजें जो फैक्ट स्टैटिक है लगभग चेंज नहीं होंगी तो उनको स्टैटिक के अंदर हम रखते हैं। किसी स्टेट में कोई जूलॉजिकल पार्क है, नेशनल पार्क है, किसी स्टेट का कोई फोक डांस है, है ना। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो स्टैटिकल अवेयरनेस के अंदर आती हैं। उसमें पहली टॉपिक हम कवर करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर। क्या मतलब है इंटरनेशनल बॉर्डर का? तो ये मतलब ये है कि दो देशों के बीच की सीमा को हम किस नाम से जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की अगर सीमा है तो उसका नाम रेड क्लिप है, मैकमोहन है, डुरंड है, 49th पैरेलल लाइन है, 8 डिग्री चैनल है, क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही इंडिया का पाकिस्तान के साथ, इंडिया का श्रीलंका के साथ, है ना, या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो कम से कम 8 ऐसे बॉर्डर हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरे नोट्स में आपको 10 बॉर्डर देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बोर्ड पे हम सिर्फ 8 ही बॉर्डर की बात आपके साथ करेंगे स्टैटिकल अवेयरनेस की फर्स्ट पार्ट में। टॉपिक इज इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटरनेशनल लाइन भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो उस बॉर्डर की बात करेंगे जो आपका और आपके सबसे प्यारे देश के बीच है। आपका सबसे प्यारा देश कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान, शाबाश। इधर मैं लिखता हूं कंट्री और इधर लिखते हैं हम लाइन, बॉर्डर का नाम। ये जो टॉपिक है वो बैंकिंग की तो टॉपिक है ही, साथ साथ आपके एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स, स्टैटिकल अवेयरनेस इज द पार्ट ऑफ बैंकिंग आल्सो एंड एसएससी रेलवे आल्सो। एसएससी रेलवे में तो पता नहीं कब पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो बैंकिंग में बैठे हुए हैं उनके लिए तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो एसएससी रेलवे वाले हैं उनके लिए भी एक सिलेबस है। तो सबसे पहले आपकी इंडिया और इंडिया के साथ मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा हाल ही के दिनों में हमने छीना है इस देश से, नाम है पाकिस्तान, और इसके बीच की जो लाइन है वो नाम है रेड क्लिप, रेड क्लिफ लाइन। बोलने का नहीं, बोलने के लिए हम बोलते हैं एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, बट वो नाम आपको याद रखना है रेड क्लिफ के रूप में, इंडिया और पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन। दूसरा इंडिया कॉमन हम रखते हैं इंडिया का उस देश के साथ, जिस देश के 69 ऐप हमने बंद कर दिए, वो है चाइना। नाम है उस लाइन का मैकमोहन, मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच की वो लाइन है। उसके बाद इंडिया और इंडिया के साथ श्रीलंका, क्या है तो गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी जिसे हम बोलते हैं, स्लैश पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। दोनों आप नाम आपको याद रखना है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी भी है और दूसरी जगह हम इसको पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं। मैकमोहन एक ऐसा लाइन है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में। रेड क्लिफ एक ऐसी इंटरनेशनल बॉर्डर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद इंडिया और मालदीव की बात करेंगे, इंडिया और मालदीव कौन सी है तो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। तो पहले इन चार नामों को लिखिए क्योंकि ये चार नाम में कहीं ना कहीं आपका देश शामिल है, इसका ये चार नाम लिखिए। इसके बाद जो हम चार नाम बताएंगे उसमें आपका देश शामिल नहीं होगा, इस कारण से वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइमरी इंपॉर्टेंट ये है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंट वो होगा, क्योंकि डुरंड जैसी बड़ी इंटरनेशनल लाइन आपको जरूर जानना है अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन उससे पहले इंडिया पाकिस्तान रेड क्लिफ,
इंडिया चाइना मैकमोहन, इंडिया श्रीलंका गल्फ ऑफ मन्ना या पाक स्ट्रेट और इंडिया मालदीप 8 डिग्री चैनल। ये चार नाम आप पहले लिखें, इंटरनेशनल बॉर्डर, दो देशों के बीच की सीमा और उसका नाम। डन, चलो आगे। हाँ सर। एक मिनट। ये 8 डिग्री समझते हैं क्या? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या? यस सर। जी सर। मैं पूछ रहा हूं ग्लोब देखा है क्या? हाँ या नहीं? मैं सर देखा होगा तो यस, नहीं देखा होगा नो। नहीं देखा। ओके कभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का नाम सुना है? अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं नाम सुना है ना? एक और बता देता हूं आपके कंसेप्ट के लिए, बता देता हूं। जब भी आप ग्लोब देखेंगे तो उसमें कुछ लाइन आपके पैरेलल लाइन खींची हुई है कि नहीं? ऐसा आपको लाइन देखने को मिलेगा। और कुछ जो लाइन है वो क्या है, तो वो परपेंडिकुलर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। भारत कहाँ पे है? तो भारत इस जगह पे आपको मौजूद देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच है, इसका आंसर हम इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, है ना? इक्वेटर हम इसे कहते हैं, इक्वेटर भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन। इसके ऊपर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक करते थे, 90 डिग्री तक हम पहुंचते हैं। यही वो 8 डिग्री चैनल संभवतः यहां पे होगा जो इंडिया और मालदीव के बीच आपको देखने को मिलेगा। यही है 8 डिग्री चैनल। इंडिया छोड़ें, ये ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, ये टॉपिक आपके ज्योग्राफी की है जिसकी बात हम ज्योग्राफी के क्लास में करेंगे। बट जो पैरेलल लाइन होती है वो अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड लाइन है, और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो लॉन्गिट्यूड लाइन है, जिसका यूज हम समय के निर्धारण और दूरी को मापने के लिए कहते हैं। कहते हैं ना कि हम IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। क्यों हम कहते हैं कि हम लंदन से 5.5 घंटे आगे हैं? यही वो कारण है जिस कारण का विश्लेषण हम SSC रेलवे की ज्योग्राफी की क्लास में करेंगे। अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, आपके लिए सिर्फ इतना मैं बता दिया कि इंडिया और मालदीव के बीच में 8 डिग्री है। तो वॉट इज 8 डिग्री? ये 8 डिग्री कहाँ से आया? इस कारण से मैंने वो थोड़ा सा फिगर आपके लिए खींच दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम डूरंड, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, डूरंड लाइन, DURAND। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कंट्री है, इस कंट्री के बीच की जो सीमा है उसको डूरंड लाइन के नाम से हम जानते हैं। USA कनाडा, थोड़ा एशिया से बाहर चलते हैं, USA कनाडा 49th पैरेलल लाइन, 49th पैरेलल लाइन। समझ जाइए 49th कहां पे होगा, हमने अभी आपको दिखाया पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन, तो 49th पैरेलल लाइन USA एंड कनाडा। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ एंड साउथ, जिनपिंग क्या है ये, पागल सुल्तान। नॉर्थ एंड साउथ कोरिया 38th पैरेलल लाइन,
नाम बाद में याद कीजिएगा जिनपिंग का, अभी 38 नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में है, कोरिया लिखिए कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल लाइन है, यूएसए कनाडा के बीच में 49 पैरेलल लाइन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड इंटरनेशनल बॉर्डर है। और सबसे आखिरी में मैंने पहले ही बताया था कि 8 नाम हम जानेंगे, तो फ्रांस और जर्मनी, मैग्नीनॉट, एम ए जी आई एन ओ टी, मैग्नीनॉट लाइन। बस ये 8 नाम पहले आप जानिए, उसके बाद आए की बात हम आए क्लास में देखेंगे। ये 8 नाम बहुत प्राइमरी इंपॉर्टेंट हैं, डुरंड तो खासकर, लेकिन डुरंड नाम याद आते ही पहले याद कीजिएगा कि सर ने सेकंड पार्ट में लिखा था, इसका मतलब डुरंड का कोई भी रिलेशन हिंदुस्तान के साथ नहीं है, है ना। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड है, 49th और 38th यूएसए कनाडा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है, एंड मैग्नीनॉट फ्रांस और जर्मनी के इंटरनेशनल लाइन है। ओके, ठीक है क्या? यस। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आगे हम चलेंगे आपके नेक्स्ट प्रिपरेशन लेवल एसबीआई पीओ पे, लेकिन पहले मुझे क्लियर कर दीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो बेसिकली हमने 3 चीजें देखी हैं, क्या क्या देखा है उसका मैं एक मेरा रिवीजन आपको दे देता हूँ, फिर आगे चलेंगे हम। फर्स्ट में हमने आपको क्या बताया, तो फर्स्ट में हमने आपको बताया कि हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक, हमने आपको बताया कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक बेसिकली हम उन बैंकों को बोलते हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भागीदारी 51%+ रहती है, उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। 6 ऐसे बैंक हैं जो मर्ज्ड बैंक हैं, जिनका मर्जर चाहे तो 1 अप्रैल 2017 में हुआ हो, चाहे तो 1 अप्रैल 2019 में हुआ हो, या 1 अप्रैल 2020 में हुआ हो। 17 मर्जर वाली 6 बैंक है, जिसमें से 5 एसोसिएट्स बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिनका नाम था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, प्लस भारतीय महिला बैंक। 2019 में जो हमने मर्ज किया बैंक ऑफ बड़ौदा में, वो 2 बैंक थी, देना बैंक एंड विजया बैंक। 2020 में जो हमने मर्ज किया उसमें आपके अलग अलग बैंक थी, पंजाब नेशनल बैंक में ओबीसी प्लस यूबीआई यूनाइटेड बैंक को हमने मर्ज कर दिया, इंडियन बैंक में हमने इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया, कैनरा बैंक में हमने सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया, और यूनियन बैंक में हमने आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज कर दिया। 6 बैंक ऐसे इंडिविजुअल बच गई जिनका नाम हमने यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक और आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक के रूप में बुलाया है। बाद में हम आए थे इनके टैगलाइन के ऊपर, इनके टैगलाइन में हमने आपके सिर्फ इसी 12 बैंकों के टैगलाइन बताए हैं, जबकि इससे भी ज्यादा टैगलाइन आपको जानना है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक ख्याल आपका या हम है ना, उसका टैगलाइन है ना, या फिर एक्सिस बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी, उसका टैगलाइन है एल आई सी योगक्षम व्यम,
आपको LIC का नाम देखते ही जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी याद आता होगा, बट ये टैगलाइन आपके एग्जाम से कभी नहीं पूछी जाएगी। बट योगक्षेमम व्यामहम, जब भी आप LIC का फोटो देखिएगा तो उसका एक हाथ देखिएगा, उस हाथ के नीचे संस्कृत में लिखा हुआ है योगक्षेमम व्यामहम, वो आपको याद करना है आपके एग्जाम के लिए। तो कुछ और भी ऐसे टैगलाइन है जो आपके नोट्स में मैंने डाल दिए हैं, बट 12 बैंकों का टैगलाइन मैंने आपके साथ बताया है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 4 टैगलाइन हो, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द बैंकर टू एवरी इंडियन, द नेशन बैंक और अस विद यू ऑल द वे, पंजाब नेशनल बैंक का बताया द नेम यू कैन बैंक अपॉन, बैंक ऑफ बड़ौदा का इंडिया इंटरनेशनल बैंक, टेक फैमिली बैंक आपकी इंडियन बैंक का बताया, टूगेदर वी कैन कैनरा बैंक का नाम बताया, गुड पीपल टू बैंक विथ यूनियन बैंक का नाम बताया, यूको बैंक बताया, वन फैमिली वन बैंक, महाबैंक आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बताया, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग बैंक ऑफ इंडिया का बताया, सेंट्रल टू यू सिंस 1911 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बताया। उसके बाद हम आए थे आपके स्टैटिकल अवेयरनेस की पहली टॉपिक इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में, और आपको बताया था कि रेड क्लिफ एक ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ड्यूरंड एक ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। उसके बाद हमने आपको मैकमोहन लाइन की जानकारी दी कि मैकमोहन एक ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो इंडिया और चाइना के बीच में है, 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है, और मन्नार की खाड़ी या फिर पाक स्ट्रेट आपके श्रीलंका के बीच में बना हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर बीच की वो क्या है तो दूरी को दर्शाता है। उसके बाद भी हमने आपके चाहे वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की बातें हों या फिर USA कनाडा की बातें हों, ये भी मैंने आपको बताया है कि 38+49 पैरेलल लाइन इन देशों के बीच को क्या करता है तो अलग अलग करता है। अभी तक मैंने आपके साथ ये जानकारी शेयर की है, बट संभवतः इन जानकारी से बड़ा आपके लिए वो लक्ष्य है जिसका रूपरेखा 14th of November 2020 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। तो 2 मिनट के लिए मैं आपके स्क्रीन को ऑन करता हूं, फिर 1 by 1 करके मैं आपके साथ जो जानकारी है वो शेयर करूंगा। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आवाज आ रही है क्या? आ रही है ना? यस सर। ना 2 मिनट होल्ड करना। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। वेट करो मैडम। कितने लोगों ने भरा SBI का फॉर्म? 1 जी से 3 दिखवाना है। क्या सर? किसके लिए? होल्ड करो, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है।
स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। क्योंकि नोटिफिकेशन पेज निकालना पड़ेगा। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, दो मिनट होल्ड कर लो। ओके, ठीक है, जब तक वो ये स्टार्ट लेता है तब तक मैं आपके साथ बात कर लूं। सुने, SBI PO कितने लोगों को फॉर्म भरना है? SBI PO हाँ, कितने लोगों को फॉर्म भरना है? SBI PO हमें भरना है। भरना है मैडम, अगर भरना है तो उसके लिए काम आज से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो SBI PO की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो कब है मालूम है? हाँ सर, 31 दिसंबर एंड जैन में है। वेरी गुड, मतलब ऑलमोस्ट आप अगर मान के चले हैं तो यू ऑल आर हैविंग ओनली 40 डेज फॉर 100 मार्क्स क्वेश्चन। ये जो 100 मार्क्स क्वेश्चन है वो तीन तरीके में तोड़ के आपसे पूछा जाएगा। 35 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। 20 मिनट के आपके पास समय की सीमा इसमें रखी गई है। इसमें आप हमेशा ये मान के चलो कि 65 प्लस वुड बी ए सेफ स्कोर। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 65 आप ले आइएगा तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा मेंस के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 65 मैं एक सेफ साइड को मान के चलता हूं, क्योंकि जो भी 6 साल 7 साल 8 साल से मैंने SBI PO का क्वेश्चन पेपर देखा है उसमें 65 प्लस वुड बी ए सेफ स्कोर, क्योंकि स्टेट वाइज एग्जामिनेशन नहीं है, ये एक सेंट्रल एग्जामिनेशन पैन इंडिया लेवल बेस एग्जामिनेशन है। तो 65 प्लस आपको लाना है। कैसे लाना है ये आपको डिसाइड करना है। अभी मैक्सिमम जो मार्क्स ला सकते हैं वो आप मैथ्स में ला सकते हैं और रीजनिंग में ला सकते हैं। इंग्लिश में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, कारण मेरे बताने से पहले भी आप जानते हैं कि कारण क्या है। तो मैथ और रीजनिंग में आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रीजनिंग में डायरेक्ट में बताया कि इतने आसान से क्वेश्चन आपके SBI PO जैसे एग्जाम से नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं सिटिंग अरेंजमेंट और नंबर, मतलब थ्री डायमेंशनल पजल आपको देखने को मिलेंगे। थ्री डायमेंशनल पजल को आप जरूर सॉल्व करें। खासकर दो टाइप के पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो पैरेलल लाइन में बैठता है ना, 6 या 7 नॉर्थ की ओर देखते हैं, 6 या 7 साउथ की ओर देखते हैं, उसके एडजेसेंट में ये है, तो ये क्वेश्चन तो 100% आपके पास रहेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट की बात मैं कर रहा हूं, तो सिटिंग अरेंजमेंट में ये जो पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट है ये आपको देखने को जरूर मिलेगा।
पजल में आपको जो फ्लोर बेस्ड पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल बोलें या फिर किलोमीटर बेस्ड पजल बोलें, आप लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब अगर देखेंगे एसबीआई पीयू का, तो फ्लोर बेस्ड पजल भी आपको देखने को मिलेगा और ब्लड रिलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा सीधा सीधा एडवाइस होता है कि ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल आपको अगर देखने को मिलते हैं तो उसको स्किप करने में ज्यादा भलाई है, क्योंकि इतना आसान ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल होता नहीं है। तो उसको थोड़ा सा स्किप कीजिए, बाकी जो पजल आपको देखने को मिलते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश आप कीजिए। 20 मिनट में एटलीस्ट 25 मार्क्स आपको चाहिए मैथ में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, तो ही आप 65 प्लस लेके चल सकते हैं। 20 मिनट मैथ में दिया हुआ है, 20 मिनट में से 25 मार्क्स आपको चाहिए, तो सोच सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड आपके पास मिल रहा है, 45 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन का सही आंसर चाहिए। तो प्री एग्जामिनेशन को पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस। हाँ, प्री एग्जामिनेशन पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके सिलेबस में जनरल, जो अभी हम पढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस, ये सब मेंस का सिलेबस है। तो ठीक है, हम पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि तो अगर आप ये सोचेंगे कि प्री एग्जामिनेशन में रिजल्ट आने के बाद हम मेंस एग्जाम्स की तैयारी करें, तो फिर बहुत टफ है, पॉसिबल नहीं है कि आप 20 या 25 दिनों में, क्योंकि देखें तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की लास्ट डेट है और लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आपकी मेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, दो चार पांच दिन मैं समझ सकता हूँ आगे पीछे हो सकती है, बट फिर भी जनरल अवेयरनेस का ये अवधारणा मानना कि मैं 10 दिन 20 दिन 25 दिन में कंबाइल कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका आंसर शुरुआत तो आपको आज से करना पड़ेगा। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाल ही में कोचिंग को ज्वाइन किया है, उनके पास पुराने कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी सी टफ तो बात है ही, बट फिर भी अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है तो आई थिंक कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। SBI PO में prelims examination के prelims is only qualifying in nature, इसका जितने भी आप marks लाएंगे उसका final selection से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ आपको pre में जो rush होता है इसको हटा odd man out करने के लिए examination है। mains exam में जो आप result लाएंगे वही आपके final selection में addition होगा। तो mains examination में math, reasoning, english और general awareness है, आसान से question, अगर आपने pre pass कर लिया और थोड़ी सी english अच्छी है तो मेरा ऐसा मानना है, अगर इंग्लिश फिर से मैं बोलता हूँ, ई पास कर लिया, इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, तो मेंस कोई बड़ी चीज आपके लिए नहीं होगी। सबसे बड़ी बात आपके क्या होती है एसबीआई पीओ में, तो मेंस एग्जामिनेशन के ठीक बाद आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होता है, मतलब कंप्यूटर जो आपके पास अवेलेबल है उसी कंप्यूटर पे आपको एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग लिखना पड़ता है, मतलब आपके पास थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन राइट, जो भी एसे आपको टॉपिक दिया हुआ है उसमें से आप चूज करके एक अच्छा जो एसे है वो आप लिख सकते हैं, जो लेटर राइटिंग है वो आप लिख सकते हैं, एक सही फॉर्मेट में लेटर राइटिंग लिखना है, क्योंकि पुरानी जो फॉर्मेट है वो भी चेंज हो चुकी है, तो जो नई फॉर्मेट है उसी में आपको लेटर राइटिंग लिखना पड़ेगा। तो उसकी क्या फॉर्मेट है, जो एक्चुअल पोटेंशियल वाले स्टूडेंट है उसको थोड़ा सा एडवाइस लीजिएगा, उनके पास कुछ अगर नया जो, क्योंकि लेटर राइटिंग का नया फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा, पहले चीजें राइट हैंड साइड में लिखी जाती थी योर्स फेथफुली एंड सो एंड सो, अभी चीजें कन्वर्ट होकर लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, तो उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। जो डिस्क्रिप्टिव आप लिखेंगे उसका भी आपके फाइनल सिलेक्शन से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, वो भी क्वालिन नेचर है। लेकिन पता चला प्री एग्जामिनेशन पास कर गए, मेन्स एग्जामिनेशन पास कर गए और लेटर राइटिंग में फेल हो गए, मतलब हमने सही ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं किया, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर इन बैंक, तो आपको आपको ये चीज तो आपके पास ये क्वालिटी तो होनी ही चाहिए कि आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप मैनेजमेंट को, आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास वो फॉर्मेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि ठीक है हिंदी हमारी नागरिक भाषा है बट ऑफिशियली हम इंग्लिश को ही यूज करते हैं, इसका ऐसे ये भी जो कह सकते हैं आप टेक्निक है वो आपके पास होनी चाहिए, उसकी भी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, बट वो मैं आपको आफ्टर प्री एग्जामिनेशन गाइड अच्छे ढंग से कर पाऊंगा। अभी थोड़े थोड़े आप जनरल अवेयरनेस पढ़ते रहें और प्राइमरी फोकस आप इंग्लिश और रीजनिंग पे डालें, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग ऐसा है जो 40 दिनों में आप बहुत चीजें कर सकते हैं। मैथ्स में आपकी जो इनइक्विटी है, नंबर सीरीज है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इन चीजों पर ज्यादा फोकस करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, SBI PO
कि क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते हैं जितने आसान आपको आईबीपीएस में देखने को मिलते हैं या आरबीआई ग्रेड बी में भी देखने को मिलते हैं। आरबीआई ग्रेड बी एसबीआई पीओ से ऊपर लेवल के एग्जामिनेशन है, बट फिर भी इसकी जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। एसबीआई पीओ इज एसबीआई पीओ, इस बात को आप पहले मान के चलें, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। मैं तो कहता हूं कि 40 डेज इज इनफ सफिशिएंट टू कंपाइल एवरीथिंग। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि 40 दिन बहुत कम है, मैं ये कहता हूं कि 40 दिन बहुत ज्यादा है। आपने अगर सही ढंग से अपने आप को क्या किया तो टाइम बार किया तो मुझे इतने देर ये काम करने हैं, मुझे इतने देर ये काम करने हैं, ये अपने मस्तिष्क में आपने अगर लक्ष्य निर्धारित किया है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मैं हमेशा एक पक्ष में रहता हूँ कि आप आगे चलें, आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे साथ शेयर करें कि सर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, इसका सोल्यूशन हम कहाँ से लाएं। बेस्ट ऑफ द एडवाइस देने का मैं जरूर काम आपके साथ करूंगा। ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा एडवाइस ही सर्वोपरि होगा, बट अभी तक जो मैंने आपके कॉम्पिटिशन एरा को देखा है, कॉम्पिटिशन को देखा है, खुद फेस किया है, खुद एग्जामिनेशन कम से कम 20-25 एग्जामिनेशन दिया है, 10-12 में खुद भी फेल हुआ हूँ, तो इस कारण से मैं ये कह सकता हूँ कि ये सही एडवाइस होगा, इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ तक आप संभवतः पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव के बाद एसबीआई पीओ इज द ओनली एग्जामिनेशन जहां पर ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होगा प्लस इंटरव्यू आपके पास होगी। इंटरव्यू तो हर एक एग्जाम जो भी प्रोफेशनरी ऑफिसर लेवल के एग्जाम है वहां पर इंटरव्यू तो होता ही, बट एसबीआई द ओनली एग्जाम जहां पर ग्रुप डिस्कशन 20 मार्क्स के आपके होते हैं। ग्रुप डिस्कशन की नई पैटर्न 2019 से आपके पास आई है, पहले 2018 तक एक टॉपिक हम दिया करते थे उस पर सारे लोग डिस्कशन करते थे, बट आज के डेट में वो पैटर्न नहीं है। 2019 से एक नई जो ग्रुप डिस्कशन की शैली आई है वो आपके एसबीआई में है, जिसकी बात मैं संभवतः मेंस के बाद आपके साथ करूंगा, बट आपको फिर भी ये अवधारणा रखना पड़ेगा कि हमें इस स्टेज को पास करते हुए चलना है। प्री एग्जामिनेशन, देन मेंस एग्जामिनेशन, देन डिस्क्रिप्टिव, देन ग्रुप डिस्कशन, देन इंटरव्यू, देन मेडिकल फिटनेस। इतने दौर तक आपने कंप्लीट किए हैं तो संभवतः आपकी पहली सैलरी मुंबई में 65,000 के अराउंड आएगी। अच्छा लगता है ना, हा? समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ, तो इस कारण से मैंने थोड़ा सा आपको डायरेक्शन दे दिया है कि इस तरीके से आप अगर काम करते हैं तो संभवतः अच्छा होगा आपके लिए। इस कारण से मैंने अपने क्लास को आज एक टॉपिक मुझे और कंपाइल करना था, बेसिकली दर्रा माउंटेन पास, लेकिन उसको मैंने होल्ड कर लिया, माउंटेन पास फिर कभी, लेकिन उसके लिए उससे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम कौन सा अपना पास बनाए जो हम माउंटेन तक पहुंच पाए। इस कारण से मैंने अपने डायरेक्शन को मोड़ करके आपको एसबीआई पीओ की जानकारी आपको दे दी है। लास्ट डेट 4th of December है, लास्ट डेट तक आप नहीं रुकेंगे, है ना। आप कोशिश कीजिए 25th of November तक आप अपने सारे जो फॉर्मेलिटीज है वो कम्प्लीट कर लें, जो भी फोटो है, जो भी सिग्नेचर है, जो भी पूछा जा रहा है वहां पर उसको सही सही आप अपडेट करें, है ना। सही सही करना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के बाद अगर कुछ भी गलत जानकारी आपने प्रोवाइड की है तो फिर प्रॉब्लम आपको आने वाली है। तो सही ढंग से उसको डालें। आईडी पासवर्ड जो आपके पास आते हैं उसको आप सेव करें, जो पीडीएफ डाउनलोड आप करेंगे उसको भी सेव रखें, क्योंकि बाद में वही जो पीडीएफ है वो आपसे मांगा जाता है, तो उसको आप सेव रखें। और जब प्री एग्जामिनेशन होंगे तो सही ढंग से हम जाएंगे, तभी हमारा एग्जाम अच्छा होगा। जब हमारे क्या किया है तो नंबर ऑफ सेट्स सॉल्व, कॉन्फिडेंस एक ही कंडीशन में आपके पास आ सकता है, वो है नंबर ऑफ सेट्स। आपने अगर ज्यादा सॉल्व किया है तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, नंबर ऑफ सेट्स आपने कम सॉल्व किया है, आपने क्वेश्चन बनाते रह गए, आपने कभी सॉल्व देखा ही नहीं क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, कितने कम समय में हम कितना ज्यादा सॉल्व कर पाते हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं और टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा, और टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन से आप कोसों दूर रह जाएंगे। तो सिलेक्शन के नजदीक आपको अगर पहुंचना है तो टाइम लगाइए 2 घंटे 30 मिनट का, उसमें एक सेट को सॉल्व करके देखिए कि अगर 200 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो आप क्या 50 मार्क्स सॉल्व कर पा रहे हैं, आप क्या 75 मार्क्स सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आप 150 मार्क्स सॉल्व कर पा रहे हैं। जब तक आप टाइम लगा के 40 डेज तक आप ये काम कोर्स ऑफ एक्शन नहीं कीजिएगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी कि आप उस समय उस दिन 20 मिनट के एग्जामिनेशन में 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर कुछ चाहिए जा बड़ा तो आपको ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये आपको करने पड़ेंगे, है ना। तो इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ
क्योंकि जो चीजें मैंने देखी है, जो चीजें मैंने फेस की है, संभवतः वही चीजें आपको भी फेस करनी पड़ेगी, है ना। आप कहेंगे सर आपने तो एग्जाम 2010-11 में दिया था, तो 2010-11 में एग्जाम दीजिए, 2020 में एग्जाम दीजिए। कॉम्पिटिशन हमेशा 50,000 स्टूडेंट के बीच में ही रहता है, है ना। आपकी बात मैं मानता हूँ कि वो सर फेज अलग था, आज फेज अलग है, कोई भी फेज अलग नहीं है। कॉम्पिटिशन हमेशा उसी 50,000 स्टूडेंट के बीच में रहता है जो एक्चुअल पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं। बाकी जो ये 20 लाख स्टूडेंट, 15 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, ये सिर्फ फॉर्म भरने के लिए होते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए होते हैं, रिजल्ट लाने के वाले स्टूडेंट नहीं होते हैं। 50,000 स्टूडेंट में ही एक्चुअल कंपटीशन होता है, उसी कंपटीशन को भेद के आपको आगे निकलना है तो काम बड़ा करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ, कुछ मेरे से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर आज मेरा सेकेंड लेक्चर है आपका, तो सर मतलब क्या लगता है मुझे, मतलब कि SBI का फॉर्म भरना चाहिए कि अभी नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब कि प्रिपेयर करूं मैं? देखो आप मेरी क्लास 4 साल तक अटेंड क्यों नहीं कीजिए, लेकिन ये मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। हमेशा आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य के पीछे आपको भागने का ताकत होना चाहिए। तो विदाउट एम कोई काम मत करो। आप आज नए हैं, बिल्कुल फ्रेश ज्वाइनिंग है आपका, आपको कुछ नहीं मालूम है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये कंप्यूटर क्या होता है छोड़ दीजिए, बट 600-750 रुपया लग रहा है, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए। जो चीजें आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सीख के आएंगे वो संभवतः मैं 4 साल भी अपने क्लास में आपको बैठा के नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि जब आप खुद अंदर जाओगे और आपको लगेगा कि वो कितना ज्यादा पढ़ के आया होगा, कितना ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पा रहा है, जब तक वो अंदर से आवाज नहीं आएगी तब तक उसके नेक्स्ट डे आप कुछ ज्यादा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अरे जाता है 750 रुपए भर दो, कितने हजारों, 2,000, 5,000, 10,000 हम खर्च कर देते हैं, लेकिन वो जो टेम्परामेंट हम सीख के आते हैं ना आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर से, वो हम कभी नहीं सिखा सकते हैं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सिखा नहीं सकती है। तो माय एडवाइस कि जो भी बैंक की वैकेंसी आती है, आप नए हो पुराने हो, जिसकी वैकेंसी आती है उस वैकेंसी को भरिए, वहां पे जाके बैठिए और अपने आप को आप देखिए कि आप कंपटीशन में खड़े हो पा रहे हैं या नहीं। आपके अंदर से आवाज आएगा कि नहीं और भी आपको करना है, और भी आप कीजिएगा। समझे क्या? सर ये SBI PO के कुछ मिनिमम अटेम्प्ट्स रहते हैं, कुछ लिमिट्स रहती है उसकी अटेम्प्ट्स करने की? देखो अभी SBI PO का मिनिमम अटेम्प्ट कितना है? 7 है। तो आपको लगता है कि आप 8 साल बैठ के एग्जाम के लिए तैयारी करोगे क्या? नो सर। फिर हो गया ना काम खत्म। अगर आपको लगता है हाँ, लिमिट कितनी है सर SBI PO के लिए? 7 है मैडम, 7। तो ऐसा तो नहीं है, पहले 4 था, अभी शायद इंक्रीज किया है। तो 4 साल भी अपने आप में काफी होता है ना, क्योंकि हर एक साल वैकेंसी आती नहीं है, कभी 1 साल के बाद, कभी 2 साल के बाद। तो आपको ऐसा लगता है कि 5 साल बैठ के आप सिर्फ बैंक की तैयारी कीजिएगा? अरे पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है। आपको जो करना है वो 1 साल से 2 साल के बीच में आप कीजिएगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। 5 साल बैठ के कोई बैंक की तैयारी नहीं करता है, और 5 साल बैठने के बाद कोई बैंक की तैयारी करके सोचेगा डायरेक्ट RBI गवर्नर में बन जाओ, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि नहीं। तो अटेम्प्ट को तो मारो गोली, अटेम्प्ट कितने हैं? 5 हैं, 10 हैं, 1 हैं, 2 हैं, कोई बात नहीं है, जाके बैठ के उधर से आने का। यस सर। ठीक है, अगर 750 रुपया नहीं है तो मेरे से मांगने का नहीं। बट देखिए, बिल्कुल देखिए आओ, वो चीजें सीख के आओ, दोस्तों से बात करो, वहां पे देखोगे वहां पे लोग पढ़ रहे हैं, है ना। प्री एग्जामिनेशन में जाओगे देखोगे वहां पे लोग सेंटर के बाहर रीजनिंग बनाते रहते हैं, मेंस में वो बैंकर्स अड्डा के नोट्स खोले रहते हैं। वो चीज सीखने को मिलती है कि कितना डेडिकेटेड वो स्टूडेंट है। तो लगता है नहीं और यार और करना है, तो ये चीजें अंदर से आवाज आएगी, ये चीजें कुणाल सर या अशोक सर नहीं सिखा सकते हैं। बोलिए और क्या पूछना है, और किसी के पास कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बट आई होप कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप SBI PO के फॉर्म भर लेंगे, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, जो भी 750 रुपए लग रहे हैं तो उसको आप लगाइए, फॉर्म भरिए, फिर एग्जाम की तैयारी करने में मजा आएगा। सब लोग एक साथ मिलके हम तैयारी करेंगे, है ना, और उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। भले ही वो मंजिल थोड़ी सी पीछे रह जाए चलेगा, लेकिन एटलीस्ट उस मंजिल की खोज में एक नई मंजिल तो हमें जरूर मिलेगी।
है ना, तो इतना आप भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, ठीक है। यहीं पे मैं आपको अलविदा कहता हूँ। नेक्स्ट क्लास हम फिर संडे को मुलाकात होगी ना, और उस दिन हम अपने जो जितने भी टॉपिक है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके यस सर, हैप्पी दिवाली सर। ओके हैप्पी दीपावली सभी को। हैप्पी दिवाली सर, गुड नाइट।